मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट एक सुलझे हुए और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव और उनकी समस्याओं को दूर करना ही उन्हें एक अलग विशिष्ट पहचान देता है। जहां उनका राजनीतिक सफर भले ही लंबा और संघर्षपूर्ण रहा हो, लेकिन उनके परिवार का शुरू से ही राजनीतिक जुड़ाव रहा है। वित्त मंत्री तरुण भनोट एक माइनिंग व्यवसायी हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक विरासत परिवार से ही मिली है। जहां तरुण भनोट के दादा बनारसी दास भनोट कांग्रेस सरकार में कई पदों पर थे, वहीं तरुण भनोट के चाचा चंद्र कुमार भनोट अर्जुन सिंह की सरकार में वन मंत्री सहित कई पदों पर रहे थे। इसके साथ ही तरुण भनोट की बुआ की शादी राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के परिवार से हुई थी, जिसके कारण उनका राजनीतिक रसूख और भी बढ़ गया। लेकिन बात अगर तरुण भनोट की जाए तो उन्होंने राजनीति में अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी अलग ही पहचान बनाई है। जहां उन्होंने अपना राजनीतिक सफर एक पार्षद के रूप में शुरू किया था, जिसके बाद नगर निगम में सभापति के पद पर होते हुए साल 2013 में पहली बार जबलपुर पश्चिम सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीते। उस समय भी सरकार में नहीं होने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र की जनता और विकास के लिए कई कार्य किए थे। शायद यही वजह थी कि साल 2018 में दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतने पर तरुण भनोट कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री वैसे तो बहुत ही नरम मिजाज और शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन प्रदेश और क्षेत्र के विकास की बात आने पर वह कड़ा रुख अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। मुझे बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी कि गोपाल भार्गव जी जिस प्रक्रिया के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 8 बार लगातार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए, वो इस प्रकार का बयान देंगे कि अगर एक विधानसभा का उपचुनाव झाबुआ में हो रहा है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संज्ञा उसको देंगे। बड़ा अचरज होता है उनके जैसे परिपक्व नेता का ऐसा बयान सुनकर, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वह लोग जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में कहीं थे ही नहीं, जो कहीं नज़र ही नहीं आते थे, वो उनके ऊपर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगा रहे हैं, जिनने भारत की आज़ादी के लिए, जिनके पुरखों ने, पूर्वजों ने अपने खून का बलिदान तक दिया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट जबलपुर के साथ ही प्रदेश के लिए निरंतर विकास के कार्य करते जा रहे हैं। वहीं राजनीति के अलावा तरुण भनोट समाज सेवा, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी के साथ ही गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा में भी जुटे रहते हैं। वित्त मंत्री तरुण भनोट ने जबलपुर ही नहीं बल्कि महाकौशल की भी झोली भर दी है। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्मदा में फ्लाईओवर, जबलपुर में डूमना में टाइगर सफारी जैसे कई विकास कार्य जबलपुर और उसके आसपास किए गए। ये हमारा सौभाग्य है कि जबलपुर के दो दो मंत्री बने हैं, जिसमें तरुण भनोट जी के अथक प्रयासों से जबलपुर को ऐसी सौगातें मिली जो आज तक पिछले 25-30 सालों में जबलपुर को नहीं मिली, जिसमें एक फ्लाईओवर है। इसके अलावा उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से काम किए, जैसे डेंटल यूनिवर्सिटी जबलपुर को प्राप्त हो रही है, और इसके साथ ही साथ जो उनका काम करने का तरीका है उससे जनता को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मंत्री जबलपुर को मिले हैं। माननीय तरुण भनोट जी जब से वित्त मंत्री बने हैं तब से तो विकास हो ही रहा है, इसके पहले भी उनने शहर का विकास, मतलब पश्चिम क्षेत्र का विकास काफ़ी किया है। और अभी साल भर से आप देख लें, जब से सरकार बनी है तो हमारे तरुण भनोट जी वित्त मंत्री जो हैं, आप शास्त्री ब्रिज का देख लें, गोरखपुर चौराहा देख लें, वो विकास हुआ है और अन्य मतलब शहर में काफ़ी विकास होते आ रहे हैं। यही नहीं, तरुण भनोट ने जबलपुर के बच्चों के लिए निःशुल्क विधायक की पाठशाला शुरू की, जिसमें IAS IPS की तैयारी के लिए कई बच्चों ने करियर मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके इस पहल की लोगों ने काफी सराहना की थी। माननीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन के श्री तरुण भनोट जी के जो अर्थक प्रयासों से विधायक पाठशाला को पुनः ये दूसरा वर्ष चालू किया गया, इससे गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है। आप लगातार इस कोचिंग में आते हो, कितना बेनिफिट आपको मिला?
और क्या कहना चाहते? मैं लगातार इस कोचिंग से आ रहा हूँ, इससे हम लोगों को इतना बेनिफिट मिलता है कि ये जो PSC और SSC की जो पढ़ाई के खर्चे हैं, ये एक मध्य वर्ग के परिवार के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए तक इसकी फ़ीस है, जो जो फीस है यहाँ पर उसे निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और एक उच्च स्तरीय शिक्षकों के द्वारा ये शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। जब हमारे वित्त मंत्री जी विधायक जी थे, तब उन्होंने ये विधायक पाठशाला स्टार्ट की थी, आज इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि बच्चों का जमावड़ा जो है वो एक अधिक संख्या में पहुंच चुका है, और जो जाना चाहिए जिस तरीके से बच्चों में रिस्पॉन्स वो पहुंच रहा है। और आने वाले समय में मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पाठशाला की है, और गरीब बच्चों से लेके और बड़े लोग के तक के बच्चे जो 40-50 हज़ार रुपये अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए देना पड़ता है, यहाँ पर निःशुल्क सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और आज कोई IPS कोई तहसीलदार कोई कलेक्टर बन रहा है, वो विधायक अपने वित्त मंत्री जी की एक पहल से है। वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से ही तरुण भनोट लगातार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। ऐसी कई योजनाओं पर वित्त मंत्री निरंतर काम कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश के विकास को गति मिले। अपने प्रादेशिक स्तर पर और जो जिला प्रशासन के स्तर पर होगा, दोनों स्तर पर पूरा सहयोग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को देगी कि ये जो एक परंपरा है जो बन चुकी है, ये लगातार जारी रहे, इसका और भव्य स्वरूप हो और पूरे हिंदुस्तान में इसकी दिनों दिन ख्याति। वित्त मंत्री तरुण भनोट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफी करीब माने जाते हैं। वहीं तरुण भनोट आम जनमानस के भी प्रिय नेता माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विजयाना न्यूज, जबलपुर।